फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आपके पास नेटवर्क और सर्किट टर्मिनोलॉजी लेके आए हैं। इस नेटवर्क और सर्किट टर्मिनोलॉजी में हम क्या देख रहे हैं कि सर्किट क्या होता है, इसको समझते हैं। एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, यानी अगर सर्किट हमें बनाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट्स होते हैं इनका प्रॉपर इंटरकनेक्शन होना चाहिए, तभी वो सर्किट बनेंगे। इसका जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ नोड। नोड क्या होता है? अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, यानी सर्किट में कोई ऐसा पॉइंट, मान लिया कि सर्किट का एक पॉइंट ये है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा, यानी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया नोड को समझने के लिए। नोड बनाने के लिए हमें कम से कम दो एलिमेंट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है दिस इज नोड, दिस इज नोड। पॉइंट बी है, ये नोड है, यानी कम से कम दो होना चाहिए या दो से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि केवल रजिस्टर ही हो, हम रजिस्टर के साथ वोल्टेज सोर्स लगा दिए तो ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सपोज दैट सी, दिस इज आर एंड दिस इज वी। तो अब ये जो पॉइंट सी है आर और वी का कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड नोड, दिस इज नोड, नोड। अब हम समझते हैं नोड के बाद जंक्शन को। अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर थ्री और मोर देन थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल नोड, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट हो। तो हम जंक्शन को समझते हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर आर वन, एक वोल्टेज सोर्स आ गया, एक और रजिस्टर आ गया आर टू, दिस इज वी। तो ये जो पॉइंट आएगा सब अज्यूम कर लिया डी, दिस इज कॉल्ड जंक्शन और कॉल्ड प्रिंसिपल नोड, और कॉल्ड प्रिंसिपल नोड। अब जंक्शन का जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, वो क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा, यानी मिनिमम नंबर ऑफ थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ जंक्शन, यानी अगर हमें जंक्शन बनाना हो तो कम से कम तीन एलिमेंट का होना ज़रूरी है। अब ज़रा नोड और जंक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा सा और। सपोज दैट यह है आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, ये भी पॉइंट है, ये है जंक्शन। अब ज़रा समझते हैं नोड और जंक्शन को। हम नोड को जंक्शन नहीं कह सकते बट जंक्शन को नोड कह सकते हैं, क्योंकि जो जंक्शन है वो नोड हो सकता है लेकिन नोड को जंक्शन नहीं कह सकते। ज़रा देखते हैं, यहाँ पर ये दो एलिमेंट आपस में कनेक्ट है तो ये नोड ही कहलाएगा, जंक्शन नहीं कहेगा, क्योंकि जंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर कम से कम तीन एलिमेंट हों, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो जंक्शन बना है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोड, ये जो जंक्शन बना है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोड, क्योंकि नोड बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का होना जरूरी है। अब आते हैं चौथे नंबर पर, ब्रांच। ब्रांच क्या है? इट एक्सटेंड फ्रॉम वन प्रिंसिपल नोड टू अनदर, यानी ब्रांच बनाने के लिए हमें दो प्रिंसिपल नोड का होना ज़रूरी है। अगर दो प्रिंसिपल नोड है तभी वो ब्रांच है, यानी दो जंक्शन के बीच में जो एलिमेंट होगा, सपोज दैट दिस इज ए बी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस इज आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव। यहाँ पर आर फाइव, फाइव, आर फोर को बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसके बारे में आगे का दिया नहीं है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो आर थ्री है वो दो जंक्शन के बीच में कनेक्ट है, यानी आर थ्री एक ब्रांच बना रहा है, यानी दो प्रिंसिपल नोड के बीच में ये कनेक्ट है। क्लोज पाथ देखते हैं। क्लोज पाथ क्या है?
any path along various branches of circuit which finishes at the point where it started. Yani close path kya hoga kisi bhi circuit mein jis point se hum chalna start kare us point ko pahunchne mein jo bhi hame branch hame milta jaye wo hamara kya hoga close path hoga. Ab is circuit mein hum dekhte hain close path kya hoga. Hum b point se chalna start kar rahe hain. यहाँ से एक ब्रांच ये आ गया, ये भी ब्रांच आ गया, ये भी ब्रांच हो गया, ये भी, यानी यहाँ वेरियस ब्रांचेज हैं और जहाँ से चल रहे हैं वहीं को ख़त्म हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्लोज पाथ. क्लोज पाथ में बी डी ई जी एच बी, ये भी क्लोज पाथ है. क्लोज पाथ हो गया. अब हम देखते हैं मेस. मेस क्या है? मेस इट इज़ ए स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ ऑफ द सर्किट. इट डज नॉट कंटेन any other क्लोज पाथ. इट मीन्स वॉट? किसी भी सर्किट का जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ होगा दैट इज कॉल्ड मेस. सपोज दैट दिस इज अ सर्किट और इस सर्किट में जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है वो ये है इस सर्किट का, तो ये हो गया मेस. ये भी हो जाएगा क्या? मेस. ये भी क्या होगा? मेस. यानी इस सर्किट में तीन मेस हैं. दिस इज स्मॉलेस्ट. इस मेस के अंदर कोई दूसरा मेस नहीं हो सकता, यानी मेस डज नॉट कंटेन एनी अदर मेस और क्लोज पाथ. आइए नेक्स्ट देखते हैं लूप. लूप क्या है? लूप कंटेन टू और मोर देन टू मेस. अगर लूप बनाना है तो हमें दो या दो से ज़्यादा मेस का होना ज़रूरी है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो गया मेस वन, ये हो गया मेस टू. अगर इनको हम कंबाइन कर दें तो ये कहलाएगा लूप. इनको कंबाइन कर दिया जाए तो ये होगा आपका लूप. इन दोनों मेस को कंबाइन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा लूप. इन तीनों मेस को कंबाइन कर दिया जाएगा तो भी ये होगा लूप. तो अब हम जरा इस सर्किट को फिर से समझते हैं. हमने एक सर्किट ले लिया, ये हमारे पास सर्किट है, ये नेम दे दिए ए बी सी डी ई एफ जी आर वन जी एच आर टू आर थ्री आर फोर वी टू वी वन वी थ्री आर फाइव आर सिक्स. हम इन सारे पॉइंट्स को हम इसमें समझते हैं. सर्किट तो मैंने बता दिया आपको, सर्किट बना हुआ था. ये जो प्रीवियस सर्किट था उससे थोड़ा सा चेंज है एलिमेंट का पोजीशन, बट आइए हम देखते हैं यहाँ पे नोड को समझते हैं. नोड इस सर्किट में अगर कहा जाए कि कितने नोड होंगे तो हम नोड फाइंड आउट करते हैं इस सर्किट के लिए पर्टिकुलर. दिस इज ए नोड बिकॉज आर वन एंड आर टू इस पॉइंट पे कनेक्ट है. नोड बनने के लिए कम से कम दो एलिमेंट का होना जरूरी है. ये हो गया, यानी ए इज नोड, बी इज अ नोड एंड जंक्शन, यानी दोनों है. ये हम जंक्शन भी कह सकते हैं और नोड भी कह सकते हैं, तो ये हो गया बी. सी अगेन क्या है? नोड है. डी ये भी नोड है. एच ऑल्सो, जी ऑल्सो अ नोड. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, डी और ई के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है. इट मीन्स डी कह लीजिए और ई कह लीजिए, दोनों एक ही बात है क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है. तो दीज टू पॉइंट्स आर सेम पॉइंट, दीज टू नोड्स आर सेम नोड. इसमें बीच में कोई एलिमेंट नहीं है. एच जी एच एंड एफ एफ, दिस इज एफ. तो ये इतने नोड हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दीज आर द नोड. अब हम देखते हैं जंक्शन. जंक्शन कौन कौन से होंगे? जो जंक्शन है वो क्या क्या है? जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट हो, जी इज अ जंक्शन, बी इज अ जंक्शन, एच इज अ जंक्शन, डी इज अ जंक्शन. तो यानी बी एच जी डी, ये हमारे पास जंक्शन होंगे. वन टू थ्री फोर. नाउ ब्रांच देखते हैं.
ब्रांच का जो डेफिनेशन वो ये कहता है कि दो प्रिंसिपल नोड के बीच में जो एलिमेंट होगा या दो जंक्शन के बीच में जो एलिमेंट आएगा वो ब्रांच होंगे, उसमें एक से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं और वो सीरीज में भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे जी एक प्रिंसिपल नोड है, ये मान लिया जे वन, जंक्शन वन, जंक्शन टू, जंक्शन थ्री, जंक्शन फोर। तो हम देखते हैं जंक्शन वन और जंक्शन टू के बीच में ये जो एलिमेंट है आर वन एंड आर टू, ये एक ब्रांच होगा। बी और एच के बीच में यानी जे टू एंड जे थ्री के बीच में एक एलिमेंट है, वो एक ब्रांच होगा। तो ब्रांच हो जाएगा जी टू बी, एक ब्रांच हो गया, जी टू एच दूसरा ब्रांच हो गया, जी टू डी, जी टू डी ये एक और ब्रांच हो गया। अब एच पे आते हैं, एच से बी, एच टू बी एक ब्रांच हो गया, एच से जी नहीं लिखेंगे, वो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ये ब्रांच कंसीडर कर लिया गया। एच से डी यानी एच टू डी ये कंसीडर कर लिया गया। अब हम आते हैं बी को लेते हैं, बी टू जी वो ऑलरेडी ले लिया गया, बी टू एच भी हो गया, और बी टू डी यानी बी डी एक ब्रांच हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी डी, ऐसे भी लिखा सकता है बी सी डी। चलिए अब हम लेते हैं डी, डी से क्या आ जाएगा, डी से एच हो चुका है, डी से बी भी हो चुका है, अब डी से जी देखते हैं, तो डी से जी भी हो चुका है यानी हमारे पास जो ब्रांच है एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच एंड छः, ये हमारे पास जो है छः ब्रांच है, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आते हैं क्लोज पाथ, क्लोज पाथ अभी हमने आपको इससे पहले बताया है कि एक ऐसा पाथ जो सारे एलिमेंट से कनेक्टेड हो, घिरा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में दो पार्ट आते हैं, मेस एंड लूप। मेस क्या है, इट इज़ स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ, यानी किसी सर्किट का एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, दैट इज स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ, एंड दिस स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ इज कॉल्ड मेस। तो हम बोल दें आपसे मेस क्या हो जाएगा, मेस हो जाएगा ए बी, ए बी एच जी ए, मेस वन हो गया। दूसरा मेस क्या हो जाएगा, बी सी डी एच बी, बी सी डी एच बी। तीसरा क्या होगा, डी ई एफ जी एच डी, ये तीन मेस इसमें बनेंगे। हम लूप देखते हैं, लूप क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा, सॉरी एक से ज़्यादा अगर मेस कंबाइन कर दिए जाएँ तो वो लूप होंगे। तो ये एक मेस है, ये मेस है, इनको हम कंबाइन करते हैं तो हमारा जो लूप आएगा लूप वन क्या होगा, ए बी सी डी एच जी ए, यानी जिस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम पहुंच रहे हैं तो वो एक क्लोज पाथ को फॉर्म कर रहा है। ये हो गया लूप वन। लूप टू क्या होगा, दूसरा लूप देखते हैं, वो होगा बी सी डी ई एफ जी एच बी। तीसरा जो लूप आएगा वो क्या होगा, ए बी एच सॉरी ए बी एच डी ई एफ जी ए, ये आपका तीसरा लूप हो गया। चौथा जो लूप होगा वो होगा ए बी सी डी ई एफ जी ए, ये चौथा लूप हो गया। यानी कितने लूप हो गए, वन टू थ्री फोर, फोर लूप हो गए। अब इसमें हम कहें कि क्लोज पाथ कितने हैं, तो क्लोज पाथ बहुत सारे हैं, ये स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है, ठीक है।
और ये बिगेस्ट क्लोज पाथ है। तो ये हम आपको नेटवर्क सर्किट टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने आपसे ये डिस्कस कर लिया। इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।